प्रिया, ये देखो तुम्हारा सपनों का घर, ये मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। हाँ जी, ये तो बाहर से बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। जो आपने मेरे लिए ये घर खरीदा, थैंक यू जी, थैंक यू। अब अंदर भी चलोगी कि यही बाहर से खड़ी होकर देखोगी? चलो अंदर। ठीक है, चलिए जी अंदर चलते हैं। इतना कहने के बाद दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। ये तो अंदर से भी बहुत सुंदर है। बहुत ही सुंदर घर खरीदा है आपने मेरे लिए, ये तो बहुत ही सुंदर है जी। चलिए जी जरा किचन भी देख लेते हैं। हाँ, तुम्हारा घर है, जहाँ मर्जी जाओ। चलो फिर किचन देख लेते हैं। ये देखो किचन, आपने तो बहुत अच्छा घर खरीदा है मेरे लिए जी, बहुत ही सुंदर है। इन दोनों का पहला दिन होता है इस घर। आप इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हैं जी? आपने बोला था मार्केट चलेंगे साथ में। हाँ, मैंने बोला था मार्केट चलेंगे साथ में, पर ऑफिस का काम निकल आया तो मुझे जाना पड़ेगा अभी। ए प्रिया सुनो ना, तुम आज अकेले मैनेज कर लो ना मार्केट का, प्लीज मुझे ऑफिस की वजह से जाना होगा। जी हम तो यहाँ नए आए हैं, मुझे यहाँ का कुछ नहीं मालूम, मैं अकेले कैसे मार्केट में जाऊंगी जी। हाँ काम करना प्रिया, पड़ोसी में लोग हैं ना, उनसे जरा पूछ लेना कि यहाँ कहाँ मार्केट है, क्या है, उनसे थोड़ा जानकारी ले लेना, समझे तुम? मुझे अभी जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है प्रिया, तुम संभाल लेना। ठीक है जी, अब जाइए, मैं किसी पड़ोसी से पूछ लूंगी यहाँ पे कहाँ सब कुछ है। मैं तुमसे शाम को आकर मिलता हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। कहने के बाद नीलेश वहां से चला जाता है। घर का तो काम हो गया है, चलो पड़ोसी से मिल आती हूँ, यहाँ पे मार्केट कहाँ है पूछ लेती हूँ। प्रिया पड़ोसी से मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ती है। प्रिया पड़ोसी के घर के पास धीरे धीरे पहुंच जाती है। सुनिए कोई घर पर है, सुनिए कोई घर पर है। तभी उस घर में से प्रिया की पड़ोसन बाहर आ जाती है। बोलिए कौन है आप और मुझे क्यों पुकार रही थी? एक्चुअली मैं यहाँ नई रहने आई हूँ, तो मुझे यहाँ का रास्ता मालूम नहीं, कहाँ क्या है, मार्केट कहाँ है, इसलिए मैं आपसे पूछने के लिए आई हूँ। मार्केट तो यही पास में ही है, सब कुछ यहाँ नजदीक ही है, आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे कौन सा घर खरीदा है आपने यहाँ पर, कहाँ रह रही है आप? आपके घर के सामने वाला जो घर है निर्मला निवास, हमने वो खरीदा है। क्या कह रही है आप, उसमें भूत का साया है। उस घर में एक भूत रहता है और उस घर में किसी को टिकने नहीं देता। क्या 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 बोल रही है आप, उसमें भूत का साया है, भूत रहता है उस घर में? अरे बाप रे, हमें तो पता नहीं था उसमें भूत है, क्या ये बात सच है? हाँ ये बात सच है। ठीक है कहके प्रिया अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी नीलेश काम से घर पर लौट आता है। तुम मार्केट गई थी ना प्रिया, क्या लेकर आई हो मार्केट से? नहीं जी, मैं मार्केट नहीं गई थी, मैं पड़ोसी के पास गई थी, पड़ोसी ने मुझे बताया इस घर में भूत है। क्या बोल रही हो तुम, भूत भूत कुछ नहीं होता प्रिया, तुम कब से ये सब मानने लगी? कुछ नहीं होता भूत, पड़ोसी जलते हैं इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, समझी तुम? अभी जाओ तुम खाना पका लो जल्दी से। ठीक है जी, मैं खाना बना लेती हूँ। इतना कहते ही प्रिया वहां से चली जाती है। प्रिया जब किचन में खाना बनाने आती है, तभी अचानक से एक एक करके बर्तन है उड़ने लग जाते हैं। ये देख के प्रिया थोड़ा घबरा जाती है। अरे ये क्या हो रहा है, ये बर्तन ऐसे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? प्रिया डर के मारे वहां से भाग जाती है। वाह क्या पिक्चर लगा हुआ है, एकदम मस्त पिक्चर लगा हुआ है। जब नीलेश टीवी देख रहा होता है, तभी वहां पर प्रिया आ जाती है।
आप यहाँ पे आराम से टीवी देख रहे बैठ के और किचन में मेरा डर के बुरा हाल हो रहा है। तुम ना पड़ोसी के बात पर ध्यान मत दिया करो, समझी ना? खुद तो डर रही हो और मुझे भी डरा रही हो। अरे किचन में अपने आप ही बर्तन उड़ रहे थे हवा में। कोई तो है इस घर में, भूत है इस घर में। चलो ये घर छोड़ के चले जाते हैं हम। पूरी जमा पूंजी इस घर को खरीदने में मैंने लगाई है और तुम बोल रही हो इस घर को छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तभी अचानक से टीवी बंद चालू होने लगता है। यह देखकर दोनों घबरा जाते ही कि हाँ सच में इस घर में कुछ है। प्रिया भाग चलते हैं, तभी उनके सामने भूत आ जाती है। मैं तुम दोनों को इस घर से जाने नहीं दूंगी। हमें जाने दो, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। दोनों इस घर में शांति से रह सकते हो, इससे पहले तुम्हें मेरे कातिलों को सजा दिलवानी होगी जिन्होंने मुझे मार डाला पैसों के लालच में। मेरे पिता दहेज नहीं दे पाए थे, इस वजह से मुझे मेरी सास और मेरे पति ने मिलकर मार डाला और जमीन में गाड़ डाला। तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम दोनों को हमेशा के लिए यहाँ शांति से रहने दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, आपके कातिलों को मैं सजा दिलवा के रहूंगी। ठीक है, ये कहने के बाद भूत वहाँ से चला जाता है। मैं कल ही पुलिस को यहाँ बुलाता हूँ और सेठ को भी यहाँ बुला लेता हूँ। ठीक है जी, बुला लीजिए। दूसरे दिन ही नीलेश सेठ को अपने घर पे बुला लेता है और सेठ आ जाता है। आप लोगों ने मुझे क्यों बुलाया है, क्या काम था? हमको सब पता चल गया है, आपने अपने पत्नी को मार के यही गाड़ दिया है। आपको शर्म नहीं आई? पैसे के लालच में आपने अपने पत्नी को मार डाला? ये सब झूठ है, आपको मेरे बारे में किसी ने झूठ बोला है। तो क्या आपके पत्नी का भूत झूठ बोल रहा है जो इस घर में भटक रहा है? तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। सर, इसी ने अपने पत्नी को मारा है। जमीन खोदने के बाद शेठ की पत्नी की लाश मिल जाती है। उसके बाद पुलिस उसकी माँ को और उसे गिरफ्तार कर लेती है। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पुलिस माँ और बेटे को पकड़ कर लेके चली जाती है। भी वहाँ पर वो भूत आ जाती है। तुम दोनों की वजह से मेरे कातिलों को आज सजा मिली है। अब तुम दोनों इस घर में आराम से रह सकते हो। मेरी आत्मा को अब मुक्ति मिल जाएगी। ना कहते कहते भूत अपने असली रूप में आ जाता है। पैसों के लालच में इन दोनों ने मुझे मार डाला था। मेरे पिता गरीब थे, दहेज नहीं दे पाए थे। तुम दोनों इस घर में आराम से रह सकते हो अब। इतना कहते कहते भूत वहां से गायब हो जाता है। गुनहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए थी। ठीक कहा तुमने। फिर नीलेश और प्रिया अपने सपनों के घर में प्यार से रहने लगे। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।